श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। भव भव का अघ संताप हरो, भव भव का अघ संताप हरो। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। नमो अरहंताणं, नमो अरहंताणं, नमो अरहंताणं। जैन दर्शन में ज्ञान मीमांसा का विषय अपूर्व है, और अपूर्व इसलिए कि बहुत दर्शनों में प्रमाण मीमांसा मिलती है, ज्ञान मीमांसा नहीं मिलती। ज्ञान पांच प्रकार के बतलाए, उनमें एक ज्ञान है श्रुतक ज्ञान। हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है श्रुतक ज्ञान, और सब ज्ञान ठप्पाइंग ठवणी जाइंग अपने लिए, केवल अपने लिए। एक ही ज्ञान है जो दूसरे के काम आता है, दूसरे के लिए भी जिसका प्रयोग होता है, वह श्रुतक ज्ञान। प्रमाण दो तरह के होते हैं, सत्यक प्रमाण, परतक प्रमाण। तो स्वतः स्वयं के लिए जो काम आने वाला है वह एक सीमा है, दूसरों के लिए कोई उसकी उपयोगिता नहीं है। जिसका उपयोग किया जा सके और वह ज्ञान होगा शब्दात्मक, शब्दात्मक अथवा अशब्दात्मक, दोनों प्रकार का हो सकता है। हम बोलते हैं और वे शब्द लंबे समय तक टिके रहते, आकाशिक रिकॉर्ड में भी वे शब्द विद्यमान है। 2000 वर्ष पहले, 4000 वर्ष पहले किस व्यक्ति ने क्या कहा, शायद किसी संस्था या सरकारी रिकॉर्ड में तो यह नहीं मिलेगा, किंतु आकाशिक रिकॉर्ड में विद्यमान है, अगर उस पुस्तक को कोई पढ़ सके और उसे कोई खोल सके, प्राप्त हो जाएगा आपको। और जैसा ज्ञात है, इसी आधार पर कुछ वैज्ञानिक इस खोज में लगे हुए हैं कि पुराने जो लोग हुए हैं प्रसिद्ध व्यक्ति, उनकी शब्दावली को कैसे पकड़ा जाए और मूल तक पहुंचा जाए। तो श्रुतक ज्ञान, श्रुतक ज्ञान का एक रूप है स्वाध्याय। स्वाध्याय श्रुतक ज्ञान का ही रूप है, उसके बिना श्रुतक स्वाध्याय का कोई मतलब नहीं होता। स्वाध्याय कहा जाता है कि सज्जाय समम तवो कमम न भूयम न भविष्यहि। स्वाध्याय के समान कोई तप कर्म नहीं है। जितने तप हैं, उपवास आदि तो बाह्य तप है ही निर्जरा, पर आंतरिक तप ध्यान को भी गौण कर दिया और स्वाध्याय को प्रमुखता दे दी। बड़ी विचित्र बात है, यानी कौन सा आचार्य या कौन सा विद्वान किस अपेक्षा से क्या कहता है, जब तक हम उस अपेक्षा को न समझें तब तक कोई हृदय समझ में नहीं आता। जिस व्यक्ति ने लिखा कि स्वाध्याय के समान कोई दूसरा तप नहीं है, अगर यह माने कि लेखक ने अतिशयोक्ति कर दी तो लेखक के प्रति अवमानना होगी, अवज्ञा होगी उसकी, और यह माने कि सही लिखा है तो तात्पर्य समझना होगा।
स्वाध्याय के समान तप नहीं है। इसका बहुत बड़ा गंभीर अर्थ यह है कि स्वाध्याय है तो एक परंपरा है, तीर्थ है, स्वाध्याय नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये सारी परंपराएं, ज्ञान की परंपराएं किस आधार पर चल रही है? वैदिक परंपरा, हम भारतीय परंपरा को ले, वैदिक परंपरा वह वेद के आधार पर चल रही है। बौद्ध परंपरा पिटकों के आधार पर चल रही है। जैन परंपरा आगम के आधार पर चल रही है। अथियोग की परंपरा अथियोग के ग्रंथों पर चल रही है। आयुर्वेद की परंपरा चरक सुश्रुत आदि के आधार पर चल रही है। ईसाई धर्म बाइबिल के आधार पर चल रहा है। इस्लाम धर्म कुरान के आधार पर चल रहा है। जरथुस्त धर्म यहूदियों का भी, पारसियों का अवेस्ता के आधार पर चल रहा है। तो सब परंपराएं एक आगम या महापुरुषों की वाणी के आधार पर चल रही है। गुरु नानक की वाणी के आधार पर सिखों की परंपरा चल रही है। सब गुरु वाणी के आधार पर चल रही है, यानी वह वाणी जो अनुभव के बाद कही गई या साक्षात्कार करने के बाद कही गई, उसके आधार पर परंपरा चल रही है। इस संदर्भ में आप देखें कि स्वाध्याय समम तवो कम्मम न भूयम न भविष्यति। स्वाध्याय के समान कोई तप नहीं है। इसका मतलब कि स्वाध्याय है तो आपकी सारी परंपरा चलेगी, स्वाध्याय नहीं है, आगम का अध्ययन नहीं है तो न अनशन होगा, न ऊनोदरी होगी, कुछ भी नहीं, आप जान भी नहीं पाएंगे। हर आदमी सब बात को जानता नहीं है। अज्ञान तो इतना प्रबल होता है कि अगर ये 1000 आदमी को इकट्ठा करें तो एक दूसरे के अज्ञान पर हंसेंगे। एक भोला आदमी था, कम पढ़ा लिखा तो होशियार भी हो सकता है, पर वह कम पढ़ा लिखा भी था, बिल्कुल अज्ञानी जैसा भोला आदमी था, मूर्ख आदमी भी कह सकते हैं। घड़ी बंद हो गई तो घड़ी को खोला उसने, भीतर कोई मच्छर निकला, तब चिल्लाने लगा, ओहो अनर्थ हो गया, लोग आगे क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे, कि देखो अनर्थ हो गया, क्या हुआ, कि मेरी घड़ी का ड्राइवर मर गया, घड़ी बंद हो गई। अज्ञान की कोई सीमा नहीं है, अज्ञान बहुत व्यापक होता है। कितना अज्ञान होता है कि आदमी सच्चाई को भी नहीं समझ पाता। अज्ञान है, अब उस अज्ञान को मिटाने के लिए एक आर्ष वाणी चल रही है। अपना अपना आर्ष और अपना अपना आप्त और अपनी अपनी आप्त वाणी। आप्त ऋषि आर्ष वह कि जिस पर जिसका विश्वास जम जाए कि यह अनुभव की बात आ रही है। स्वाध्याय के 5 प्रकार बतलाए गए। उनमें पहला प्रकार है वायणा, वाचना, अध्यापन। अध्यापन बस इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि स्वाध्याय के समान कोई तप न है न होगा। कारण कि सारे तप का मूल आधार है वाचक, वाचन, अध्यापन। अध्यापन आगम साहित्य में विधान है कि जो मुनि ज्ञान दूसरों को करा सकता है, पढ़ा सकता है, आगम पढ़ा सकता है और नहीं पढ़ाता है आलस्य, प्रमाद अथवा अहंकार के कारण, उसे प्रायश्चित प्राप्त होता है। प्रायश्चित प्राप्त, मान लो कि आज लौकिक विद्या की भी परंपरा न हो, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, सब है, उनका परंपरा पढ़ाने की न हो
और आज किसी व्यक्ति से कहा जाए कि तुम वैज्ञानिक बनो, डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, पढ़ाने की कोई परंपरा नहीं है, कैसे बनेगा, बन जाएगा क्या? नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो परंपरा ज्ञान की चालू आ रही है उसका कोर्स पूरा किया, 10 वर्ष 12 वर्ष 14 वर्ष 16 वर्ष जितना समय है लगा, उसको पढ़ा और निकल जाएगा विद्यार्थी, अच्छा डॉक्टर बन जाएगा, अच्छा इंजीनियर, अच्छा और कुछ बन जाएगा। इसका कारण कि ज्ञान की परंपरा चालू है। ये वाचना का इतना महत्व है, मैं कह सकता हूँ कि इस केवल वाचना के आधार पर कभी तीर्थ की परंपरा चालू रहे, शासन का विच्छेद न हो, इस संदर्भ में हम उस आचार्य की वाणी को पढ़ें कि सज्जाय समम तवो कम्मम न भूयम न भविष्यति, मूल आधार बन गया। अगर ये नहीं है तो कोई भी आधार नहीं। अगर आज जैनों के सामने आगम न हो तो किसी से कहें उपवास करो तो क्यों भूखा रखना चाहते हो? रोटी की कमी है, क्यों करूं, किस लिए करूं? 8 दिन उपासना करो, 8 दिन का उपवास करो, किस लिए करूं? घर में कमी नहीं है, पैसा बहुत है, फिर क्यों उपवास करूं? क्यों मैं इंद्रिय संयम करूं? क्यों मैं कसाय विजय का प्रयत्न करूं? कोई भी किसी की बात को नहीं मान सकता, किंतु जब यह बताया जाता है कि उपवास करो, निर्जरा होगी, कर्म का क्षय होगा, कर्म का विलय होगा, तो फिर श्रद्धा के साथ उस बात को स्वीकार कर लेता है। 10वें कालिक सूत्र में एक बहुत सुंदर क्रम बतलाया गया है और मानता हूं कि हर व्यक्ति को उतना क्रम तो याद रखना चाहिए कि आगम के अध्ययन से या आध्यात्मिक दिशा में हम प्रस्थान करना चाहते हैं तो हमारा क्रम क्या हो। इतना सुंदर क्रम बतलाया कि बहुत दुर्लभ क्रम है। पहले जीव अजीव को जानो, कहा गया कि जो जीवे भी न जानाई अजीवे भी न जानाई, जीवा जीवे अयानन तो कहम नाही संयमम, जो जीव को भी नहीं जानता अजीव को नहीं जानता वह संयम को कैसे जानेगा, अहिंसा को कैसे जानेगा, उसके लिए अहिंसा का कोई बहुत अर्थ ही नहीं होता जिसमें जीव अजीव का बोध नहीं है। तो साधना का हमारा क्रम या आध्यात्मिक विकास का क्रम या आध्यात्मिक सोपान, जैसे हम 14 गुणस्थानों को मानते हैं, यह एक नया प्रस्थान है। पहला गुणस्थान है जीव अजीव का बोध, नया क्रम, पहला गुणस्थान। दूसरा गुणस्थान है संयम, अहिंसा का विकास, संयम का विकास। और तीसरा फिर गति और अगत आगति को जानना, यानी पुनर्जन्म का ज्ञान, यह तीसरा क्रम होगा। और इसका कारण है अगर पुनर्जन्म नहीं है, पूर्व जन्म नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, तो फिर संयम का अर्थ भी सीमित हो जाएगा, अहिंसा भी छोटी हो जाएगी, फिर तो किसी को मत सताओ इतने में है, सूक्ष्मता की सारी बात समाप्त हो जाएगी। पुनर्जन्म का ज्ञान, जब पुनर्जन्म का ज्ञान है तो फिर कर्म का ज्ञान होगा, कर्म बाद पुण्य और पाप का ज्ञान, बंद और मोक्ष का ज्ञान। कर्म बाद के 4 अंग बनते हैं, पुण्य पाप बंद और मोक्ष, ये 4। तो कर्मवाद का ज्ञान करो फिर, और कर्मवाद का ज्ञान जब होगा, जब गति का ज्ञान हुआ, जन्म का ज्ञान हुआ कि कौन सा व्यक्ति किस कर्म के द्वारा किस गति में जाकर पैदा होता है, आज एक आदमी है बुरे कर्म किए और कल वह मरकर सुअर बन जाएगा, गधा बन जाएगा, कुत्ता बन जाएगा और नीचे भी चला जाएगा, इन सारी बातों का जब ज्ञान होता है तब भोग से निवृत्ति होती है, आसक्ति टूटती है, आसक्ति में कमी आती है, फिर केवल पदार्थ
और केवल भोग को ही वह सब कुछ नहीं मानता, उसकी एक सीमा हो जाती है और फिर वहाँ से होता है कि मैं इतने से ज़्यादा भोग नहीं करूँगा, इतने से ज़्यादा काम में नहीं लूँगा, इतने से ज़्यादा संग्रह नहीं करूँगा, आसक्ति को तोड़ने का प्रयत्न करता है। जब आसक्ति टूटती है तो फिर आगे विकास करता है, श्रावक बनता है, साधु बनता है। साधु बनता है तो फिर और साधना करता है और अंततः एक मोक्ष के निकट ज्ञान का विकास करता है। करते करते केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आचार्य तुलसी ने एक कार्य किया, उन्होंने अपने जीवन में सैकड़ों कार्य किए, सैकड़ों कार्य, किंतु मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा कार्य कोई मुझे पूछे क्या किया तो मैं कहना चाहूँगा आगम संपादन, सबसे बड़ा कार्य किया। डॉक्टर कोठारी जो बड़े वैज्ञानिक, डीएस कोठारी, जैन श्रावक, वैज्ञानिक, अणुवैज्ञानिक और बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति थे, एक दिन बोले, दिल्ली में गुरुदेव विराज रहे थे, कोठारी जी बैठे थे और बोले कि आचार्य श्री आप सब प्रवृत्तियों को बंद कर दें, सारी शक्ति केवल आगम संपादन में लगा दें, यह बहुत अच्छा होगा। उनका यह हो गया था कि जब आगम के स्वाध्यायी थे वैज्ञानिक और इधर आगम बहुत पढ़ते, बड़ा रस था उनका, तत्वज्ञ श्रावक थे, जब कहीं पढ़ना होता, कभी अमुक सूत्र पढ़ना है, दसवींकालिक पढ़ना है, उत्तराध्ययन पढ़ना है, तो कोई पुस्तक लाकर देता, यह नहीं जैन विश्व भारती का आगम लाओ, सीधा उनका उत्तर था कि वह आगम लाओ जो जैन विश्व भारती से प्रकाशित हुआ है। मैं देखता हूँ कि इतना बड़ा कार्य गुरुदेव का, इतना बड़ा अवदान है कि तीर्थ परंपरा को चालू रखने में, आगमों के स्वाध्याय में या वाचना धर्म और तीर्थ धर्म के निर्वाह में एक बड़ा उपयोगी कार्य किया है जो हजारों वर्षों तक उस परंपरा को और आगे बढ़ा सकता है। एक प्रश्न है हमारे सामने, वो जैनों के लिए बड़ा जटिल है, उसका उत्तर देना, कि जैसे वैदिकों के लिए वेद, बौद्धों के लिए पिटक, जैनों के लिए आगम है, इन तीनों के ग्रंथ बहुत हैं, वेद भी बहुत, पिटक भी बहुत और आगम भी बहुत है, किंतु ये जो धर्म है कुछ, इस्लाम के लिए एक ग्रंथ है प्रमाण कुरान, और ईसाइयों के लिए एक ग्रंथ है प्रमाण बाइबिल, ऐसा जैनों का कौन सा ग्रंथ है जो एक ग्रंथ को देखकर हम सब कुछ जान जाएं कि जैन धर्म क्या है। यह प्रश्न भगवान महावीर के निर्वाण शताब्दी, 25वीं निर्वाण शताब्दी सन 74 में मनाई गई थी, तब भी आया और पहले भी आया, विनोबा जी का भी यह प्रश्न था, उन्होंने फिर प्रयत्न शुरू किया था और आचार्य तुलसी ने भी प्रयत्न किया, आखिर हम एक संबंध में आए और एक ग्रंथ तैयार किया, समण सुत्तम, समण सुत्तम ग्रंथ तैयार हो गया, पर उसे बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं और कुछ थोड़ी उस पढ़ने में कठिनाई भी हो सकती है, फिर भी बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ बना है। फिर आचार्य श्री ने अनुभव किया कि उसमें सैद्धांतिक पक्ष तो पूरा आ गया, किंतु जीवन व्यवहार का पक्ष और सरसता दोनों बातें नहीं है, तो फिर एक चिंतन के साथ एक ग्रंथ तैयार किया गया, गाथा, गाथा जो एक जैन दर्शन, एक पुस्तक पढ़ ले तो जैन दर्शन की झलक उसको मिल जाएगी, और तीसरा ग्रंथ है संबोधि, संबोधि जिसमें जैन दर्शन, आचार व्यवहार सबका एक सर्वांगीण निदर्शन मिलता है।
आज ही मन में आया कि तीनों ग्रंथ अलग अलग है, अगर इन तीनों को एक साथ कर दिया जाए, एक पुस्तक में तीनों ग्रंथ आ जाएं, समण सुत्तम, संबोधि और गाथा एक महाग्रंथ बन जाए, फिर हम किसी को दे सकते हैं कि सर्वांगीण पूरा जैन दर्शन को पढ़ना चाहो तो इसमें सब बातें तुम्हें मिल जाएगी। करना चाहिए ऐसा प्रेम, एक ग्रंथ हो जाए और भी कुछ जोड़ना हो तो उसमें जोड़ दिया जाए। और दूसरा विकल्प है, दूसरा विकल्प उत्तराध्ययन सूत्र। उत्तराध्ययन शायद आपके सामने पड़ा होगा, इनमें जो हिंदी अनुवाद और टिप्पण सहित एक वॉल्यूम है, दो भागों में भी था। तो उत्तराध्ययन, जो लोग आगम को पढ़े, उत्तराध्ययन को पढ़े, तो शायद बहुत सारी बातें उनकी सुलझ जाएगी अपने आप, इतना परिवर्तन होगा। आर्षवाणी तो है ही, साथ साथ में इतना सरस है। बड़े बड़े जर्मन के विद्वानों ने कहा कि ऐसा महाकाव्य है ये, काव्य ये महाकाव्य है, का एक दुर्लभ ग्रंथ है उत्तराध्ययन। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने नाम भी सुना हो, बहुत उनसे भी कम है जिन्होंने पढ़ा हो। पूरी परिषद में कोई 10-20 लोग मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है हजारों में, नहीं तो नाम भी नहीं जानते, पढ़ा भी नहीं है। अगर एक इसको पढ़ ले तो आपको कितना होगा। इस आधार पर हमने योगक्षेम वर्ष में उत्तराध्ययन के आधार पर कुछ व्याख्याएं की थी और वह पुस्तक निकली, महावीर का पुनर्जन्म। महावीर का पुनर्जन्म जो उत्तराध्ययन का ही एक व्याख्यात्मक ग्रंथ है। इस सारे संदर्भ में आप अब उस पर विचार करें कि स्वाध्याय के समान कोई तप न हुआ न होगा। अब पूरी बात समझ में आ सकती है कि स्वाध्याय का मूल्य क्या है। स्वाध्याय है तो धर्म की परंपरा है, केवल धर्म की नहीं, वाचना है तो किसी भी परंपरा को देख ले। आज विज्ञान की परंपरा है, आज 400 वर्षों के वैज्ञानिक अध्याय को समाप्त कर दे, भूगृह में डाल दे और आज से फिर शुरू करें विज्ञान की खोज, वैज्ञानिक का निर्माण। 100 वर्ष तक तो पार ही नहीं पड़ेगा, कोई तैयार तो होगा नहीं, 100-200 वर्ष और पिछड़ जाएगा। हर परंपरा के पीछे एक जो ज्ञान की परंपरा होती है, ज्ञान राशि होती है, वह ज्ञान राशि जब तक चालू है तब तक वह परंपरा चालू है, और जिस दिन ज्ञान राशि समाप्त तो वह परंपरा भी समाप्त। इसलिए हम वाचना के महत्व को समझें और उस अर्थ में हम कह सकें कि स्वाध्याय सबसे बड़ा तप है, तो आप स्वाध्याय का मूल्यांकन करें और इस पर्युषण महापर्व के अवसर पर एक संकल्प करें कि हमें आगमों का भी कम से और नहीं तो उत्तराध्ययन दसवीकालिक दो सरल सूत्र हैं, उत्तराध्ययन ले ले पहले, उत्तराध्ययन का अध्ययन करना है और गाथा आदि ग्रंथों का अध्ययन करना है, तो आपका ज्ञान भी स्पष्ट होगा, आपको भी प्रकाश मिलेगा, आप दूसरों के अंधकार को मिटाकर दूसरों को भी प्रकाशित कर सकेंगे। ओम ऋतंभरा प्रज्ञा और अप्रतिम मेधा के धारक जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के नीलाभ्र गगन में तपोमय और तेजोमय आचार्य परंपरा के तेजस्वी महासूर्य आचार्य महाप्रज्ञ। आचार्य महाप्रज्ञ एक सिद्ध योगी जिनकी सघन ध्यान साधना से जागृत हुई अतीन्द्रिय चेतना, अनुभूत हुआ अज्ञात जगत का सत्य और बन गए महाप्रज्ञ।
श्री महाप्रज्ञ गुरु।